और वैसे अस्मा भाभी इतनी बुरी है नहीं जितना शुरू में उनका तासुर बन गया था। अब देखो ना, मैं किचन में अपना नाश्ता बनाने के लिए गया, उन्होंने मुझसे ढेर सारी बातें की और मुझे नाश्ता भी बनाकर दिया। मैंने कहा वाह, मेरे ख्याल में वो भी बहुत खुश है। तुम्हें क्या लगता है, तुम इतनी खामोश क्यों? अरे बाबा, अब तो तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है, खुश होना चाहिए तुम्हें। और अब तो सब मान गए हैं और जो तुम चाहती थी वही हो रहा है। कुछ भी नहीं, मैं बस अब्बू की वजह से फिक्रमंद हो रही हूँ। मेरे जाने के बाद वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। अरे उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों बहनें तो वहीं होगी हमारे पास, तुम्हारे अब्बू को भी ले आएंगे बस। अब्बू कभी भी नहीं मानेंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, हम दोनों भाई हैं ना, बस तुम हम पे छोड़, हम उन्हें लेकर आएंगे अपने घर। आखिर दामाद है, दामादों की भी कुछ टोर होती है, आखिर उनकी बेटियां हमारे पास होंगी, कैसे नहीं मानेंगे। राहिल मैं सीरियस हूँ। अरे बाबा मैं भी सीरियस हूँ। अच्छा चलो तुम परेशान मत हो, इसका भी कोई हल निकाल लेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, अब्बू आने वाले होंगे, तुम उससे मिलने आए हो, ये उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और तुम्हें अच्छा लगता है? अच्छा कल दिन में तुम्हें अस्मा भाभी लेने के लिए आएंगे, मैं चाहता हूँ कि शादी की शॉपिंग हम दोनों मिलके साथ करें, तुम्हारी पसंद की और मेरी पसंद की। ठीक है। जाओ। अरे पापा थोड़ी देर तो बैठे दो। राहिल चलो चलो रखो, जाओ जाओ खड़े हो। अरे अरे चाबी तो लेने दो।